Oh my god. हेलो फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी ने हमारा हर काम आसान कर दिया है। मोबाइल और सीसीटीवी के बाद अब ड्रोन कैमरे की डिमांड बूम पर है। ड्रोन को जब बनाया गया था तब ये महज एक खिलौना था, लेकिन वक्त के साथ जरूरतें बदली और आज शादियों से लेकर सर्वे तक में इसका उपयोग किया जाने लगा है। कई बार ड्रोन कैमरे में कुछ ऐसी चीजें भी रिकॉर्ड हो जाती हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। कॉटन कैमरा सीरीज के पार्ट 4 में हम आपके लिए लाए हैं ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड ऐसी चीजें जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। ये वीडियो शुरू करने से पहले नए व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको मिलते रहे ऐसे वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उत्तरी चीन में एक ड्रोन कैमरे में एक ऐसा वीडियो रिकॉर्ड हो गया जो पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय बन गया। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और भारत के अखबारों में भी इस घटना की तस्वीरें छपी। MS मियाओ नाम के एक शख्स के 13 नंबर बाड़े में कुछ भेड़े एक सर्कल में गोल गोल घूमने लगी, जिसके बाद उनकी देखा देखी सैकड़ों भेड़े ऐसा करने लगी। हैरानी की बात यह रही कि ये भेड़े एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार 12 दिनों से ऐसे ही एक सर्कल में चक्कर लगा रही थी। ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड ये घटना किसी अचंभे से कम नहीं थी। बाद में जब डॉक्टरों ने इस पर रिसर्च किया तो पता चला कि ऐसा लिस्टेरियोसिस नाम के एक जीवाणु रोग की वजह से होता है, जो कि खराब खाने से जुड़ा होता है। इससे इन्फेक्टेड जानवरों के दिमाग के एक हिस्से में सूजन आ जाती है, जिसके चलते उन्हें चक्कर आने लगते हैं। ये भेड़े भी इसी जीवाणु से इन्फेक्टेड होकर ऐसे गोल गोल घूमने लगी थी। इस वीडियो में एक ब्रिज पर दो लड़के दौड़ते हुए दिख रहे हैं। इनमें से एक लड़का अचानक पानी में कूद जाता है और आसमान में नजरें गड़ाए तेजी से तैरने लगता है। कोई नहीं समझ पा रहा था कि वो आसमान में क्या देखता हुआ तैरता जा रहा है, लेकिन कुछ समय बाद इस सवाल का जवाब मिल जाता है। वो तेजी से दौड़ते हुए ड्रोन कैमरे को पकड़ लेता है। दरअसल इस बंदे का ड्रोन लो बैटरी के चलते पानी में गिरने वाला था, जिसका पता चलते ही ये शख्स बिना समय गंवाए पानी में कूदकर उसे डूबने से बचा लेता है। मजेदार बात यह रही कि ड्रोन का ये रेस्क्यू ऑपरेशन उसी डूबने वाले ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। क्यों, है ना इंटरेस्टिंग? ऊपर बोट और नीचे विशालकाय खतरनाक ब्लू व्हेल। इन लोगों का जब इस व्हेल से एनकाउंटर हुआ तो उनकी गिग्गी ही बंद गई। डर के मारे उन्होंने बोट का इंजन बंद कर दिया और व्हेल के जाने का इंतजार करने लगे। इन लोगों की किस्मत अच्छी थी कि ये खतरनाक मछली उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ गई। ये रेयर घटना ड्रोन में कैद हो गई और बोटिंग करने वालों के लिए एक रोमांचक अनुभव बन गई। ये लड़की अपनी छत पर धूप सेकने का लुफ्त ले रही है, तभी एक ड्रोन उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। ड्रोन ऑपरेटर की इस हरकत से लड़की गुस्सा हो गई और ड्रोन को गिराने के इरादे से उसके पीछे भागने लगी, लेकिन इस ड्रोन का ऑपरेटर इतना शातिर निकला कि ड्रोन को ऊपर कर लिया। ऐसी हरकतें करने वाले ड्रोन को तो वाकई गिरा देना चाहिए, जैसा कि इस मोहतरमा ने किया। ये लड़की स्विमिंग पूल के पास सन बाथ ले रही थी, तभी एक ड्रोन ने इसका वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। इस लड़की की नजर जब ड्रोन पर पड़ी तो वो गुस्सा हो गई और जो हाथ लगा उस ड्रोन की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। पहले एफर्ट में तो सफल नहीं हो पाई, लेकिन दूसरी बार ऐसा निशाना लगाया कि ड्रोन दन दनाते हुए नीचे आ गिरा। वाह जी वाह, मोहतरमा ने तो ड्रोन के मालिक को बढ़िया सबक सिखाया। अब आगे से वो ऐसी टुच्ची हरकत कभी नहीं करेगा। अब जरा इस वीडियो को देखिए, जिसमें ये ड्रोन इस मगरमच्छ की हरकतों को नजदीक से कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। ये मगरमच्छ ड्रोन को कोई पंछी समझकर उस पर झपट्टा मार देता है, लेकिन खुशकिस्मती से ये ड्रोन उसकी पकड़ में आने से बच जाता है। वैसे जल का ये राजा हर बार नाकाम हो ऐसा नहीं हो सकता। कई बार उसकी नाराजगी की कीमत लाखों रुपए का ड्रोन डुबोकर चुकानी ही पड़ती है। दोस्तों, ये वीडियोस बनाने में हमें कई दिनों की मेहनत लगती है, तब जाकर ये वीडियो तैयार हो पाता है। इसलिए इन वीडियोस को देखकर
हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और अगर आप हमारे वीडियोस दिल से पसंद करते हैं तो हमें सुपर थैंक्स देकर सपोर्ट भी कर सकते हैं। मादा भालू और उसके बच्चे का ये ड्रोन वीडियो बहुत ही इंस्पायरिंग है। आप देख सकते हैं कि ये मादा भालू अपने नन्हे मुन्ने के साथ बर्फीले पहाड़ की चोटी पर चढ़ रही है। अनुभवी मादा भालू तो एक ही बार में ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन उसका नौसिखिया बच्चा सभी कोशिशों के बावजूद नीचे फिसल जाता है। पहाड़ की चोटी पर खड़ी उसकी माँ उसे मोटिवेट करती हुई नजर आती हैं। वहीं बच्चा जितनी बार कोशिश करता है उतनी बार नाकाम होता जाता है। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार तो ये एकदम ऊपर तक पहुंचकर अपनी माँ का हाथ थामने ही वाला था कि फिर से पांव फिसला और वो एकदम नीचे आ गया। सोहनलाल द्विवेदी कह गए थे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब आप इस डिबेट में मत पड़ जाना कि ये कविता तो हरिवंश राय बच्चन की थी। खैर, ये बेबी बियर भी फिर कोशिश करता है और आखिरकार अपनी मंजिल को पा ही लेता है। इस बेबी बियर के एफर्ट्स पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइएगा। न्यू ब्रंसविक के जंगलों में डेरेक कीथ बरगॉय नाम का एक शख्स वाइल्ड लाइफ शूट कर रहा था। बर्फीले जंगलों में जब उसका ड्रोन उड़ रहा था तो उसमें एक बारहसिंगा रिकॉर्ड हो गया जो घने जंगल के बीच अपना सिर जोर जोर से हिला रहा था, जिसके बाद उसके दोनों सींग नीचे गिर गए। बारहसिंगा अपने पूरे जीवन में ऐसा एक ही बार करता है। ऐसे में रेयरेस्ट देन रेयर रिएक्शन लकीली डेरेक के ड्रोन में रिकॉर्ड हो गया। साथ ही बारहसिंगा के कीमती सींग भी उसे तोहफे में मिल गए। यहाँ ये बच्ची गोल्फ स्टिक से बॉल को हिट करने जा रही है, वहीं पीछे खड़े इनके डैडी ड्रोन से बेटी का वीडियो शूट कर रहे हैं। जैसे ही ये बॉल को हिट करती है, बॉल सीधे ड्रोन से जा टकराती है और ड्रोन का एक विंग टूटकर नीचे गिर जाता है। Oh my God. ये वीडियो भी उसी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया जो बाद में तेजी से वायरल हुआ। साइबेरिया के एक जू में टाइगर के ग्रुप का वीडियो शूट करने के लिए ड्रोन की मदद ली गई। जैसे ही ड्रोन को उड़ाया गया, वैसे ही सब के सब टाइगर्स उसकी तरफ दौड़ने लगे। ड्रोन की आवाज सुनकर शायद उन्हें लगा कि शायद कोई पंछी उड़ रहा होगा। इतना ही नहीं, जैसे ही ड्रोन थोड़ा नीचे आया तो एक टाइगर ने झपट्टा मारकर इसे गिरा डाला और उसके पुर्जे पुर्जे छितर बितर कर डाले। इस वीडियो में प्लेन के अंदर बैठे एक शख्स ने अपने प्लेन के टेक ऑफ करने का वीडियो बनाया। इस दौरान इसने देखा कि एक ड्रोन उसकी प्लेन के विंग से टकरा गया। ये नजारा देख अंदर बैठे लोगों की तो जान ही हलक में अटक गई। ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि साउथ वेस्ट एयरलाइन जेट को सामने आकर सफाई देनी पड़ी थी। ज्वालामुखी के बारे में कहा जाता है कि ये सोए हुए दानव होते हैं जो कई बरसों में एक बार जगते हैं और कहर बरपा कर शांत हो जाते हैं। कुछ ज्वालामुखी तो फटने पर कई कई किलोमीटर के एरिया को प्रभावित कर देते हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा गर्म और खतरनाक होता है। ऐसे में इनके पास भी जाने के बारे में कोई सोच नहीं सकता। लेकिन द वायरल नामा आपके लिए एक ऐसी क्लिप लाया है जिसमें ज्वालामुखी को फटते हुए करीब से देखा जा सकता है। ये वीडियो है आइसलैंड के फेगरा डेल्स फॉल वॉल्केनो का, जो मार्च 2021 में 781 साल बाद अचानक फटना शुरू हो गया। तब इस काले पिरामिड से लाल रंग के छींटे उड़ने लगे और लावा में उपस्थित रसायनों से चांदी जैसा गुबार निकलने लगा। इस भयानक दृश्य को बियॉन्ड स्टीनबैक ने अपने ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वैसे दोस्तों, इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 5000 लाइक्स तो जरूर मिलें। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो हम आपके लिए लाएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो इस बात पर अब भी ठोक दीजिए अपना लाइक। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये विंड टर्बाइन क्यों दिखा रहे हैं, तो रुको, जरा सबर करो, जरा इस बंदे को तो देखो जिसे पूरी दुनिया में सोने के लिए बस यही जगह मिली है। हमको तो घर की बालकनी से भी नीचे झांकने तक में डर लगता है।
और ये भाई इतनी ऊंचाई पर मजे से धूप सेकने का आनंद ले रहा है। क्यों, यकीन ही नहीं हो रहा ना? वैसे अगर ड्रोन में रिकॉर्ड न होता तो इस बात पर कोई यकीन ही नहीं करता। अब जाते जाते इस बंदे का रिएक्शन तो देखो जरा। ये ड्रोन वीडियो इस बंदे की समझदारी की तस्दीक कर रहा है। इसके खेत में आग लगी तो इसने आग को फैलने से रोकने के लिए आग के एरिया की फसल को कुछ यूं काट दिया ताकि आग आगे न बढ़ पाए। इस तरह इस किसान की समझदारी से उसका बड़ा नुकसान होने से बच गया। ये शानदार ड्रोन वीडियो कोइंसिडेंटली इस ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। कोरोना कालखंड के बाद देश के कई राज्यों में लंपी बीमारी फैली थी, जिसमें हर दिन हजारों गायों की मौत हो गई। राजस्थान के बीकानेर में भी तब हजारों गाय मर रही थी, जिनके शवों को यहाँ के जोड़ भीड़ में खुले में फेंका जा रहा था। इस दौरान एक फोटो जर्नलिस्ट ने ड्रोन की मदद से इस मंजर को कैद कर लिया और इस तरह प्रशासन की बेरुखी जग जाहिर हो गई। दक्षिणी यूटा के आईविंस में ड्रोन में ग्रेविटी फोर्स को चैलेंज करने वाली घटना रिकॉर्ड हो गई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक झरने का पानी नीचे गिरने की बजाय अचानक ऊपर की ओर बहने लगता है। इस नजारे को जिसने भी देखा वो दंग रह गया, लेकिन तह में गए तो इसके पीछे एक रोचक वजह सामने आई। दरअसल इस ऊंची चट्टान के पास इतनी तेज रफ्तार से हवाएं चल रही थी कि इसका पानी घुमावदार होकर ऊपर की तरफ बहने लगा। और खुशकिस्मती ये कि ये अनोखी घटना एक ड्रोन कैमरे में कैद हो गई। इंग्लैंड में यह शख्स खेत में ड्रोन उड़ा रहा है, तभी अचानक ड्रोन उल्टी दिशा में तेजी से उड़ते हुए उस शख्स के सिर से ही टकरा जाता है। ये बंदा खुद को बचाने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब रहता है। इसी तरह अपनी वेडिंग मोमेंट को यादगार बनाने के लिए इस कपल ने ड्रोन शुरू करवाया, लेकिन ये क्या, ये ड्रोन तो दूल्हा दुल्हन से ही जा टकराया। कुछ लोग इतना आलसी किस्म के होते हैं कि अपने डॉगी को वॉक पर ले जाने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में ड्रोन की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। क्रिस्टोफर जॉयस ड्रोन से शार्क की फुटेज ले रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक शार्क सर्फर जो कि पानी में आराम कर रहा था, उसकी ओर एक विशालकाय शिकारी शार्क बढ़ रही है। जॉयस ने शोर मचाकर व्यक्ति को अलर्ट करके उस शख्स की जान बचा ली। समुद्र में उठी इस खतरनाक भंवर का ये वीडियो ड्रोन कैमरे से कैप्चर किया गया। इस साइक्लोन को देखकर तो सिर ही चकरा जाए। ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर का वेल ट्रेंड होना बहुत जरूरी है, वरना या तो लोग इसके शिकार हो जाते हैं या फिर ड्रोन हादसे के शिकार हो जाते हैं। यहाँ फैमिली फोटोग्राफ लेते वक्त ये ड्रोन इस बंदे के पेट से ही टकरा गया। इसी तरह योगा कर रही इस लड़की से एक ड्रोन कुछ इस तरह से टकराया कि सबकी हंसी ही छूट गई। ड्रोन कैमरे में कैद ये रेयर फुटेज आपको हैरान करने के लिए काफी है। ये वीडियो किसी बीच का है, जहां एक ईगल खुद से दोगुनी बड़ी शार्क को पंजे में दबोचकर ऐसे उड़ा जा रहा है मानो ये कोई शार्क ना होकर कोई छोटी मोटी मछली है। ये नजारा वाकई चौंकाने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।